Hello everyone and welcome to my channel Being Pharmacist. So if you first time visiting this channel, don't forget to subscribe this channel to get all the important notification and updates related to different government exams and their updates. So this is the video for the OBC students and candidates, those who are preparing for any government job or any college admission, and they are applying for any form or applying for any government job application as other backward classes, and they need central OBC certificate. So remember, before applying to OBC, central OBC certificate, we have to clearly understood what is central OBC certificate, okay, central and state. So we have to understood what is central and what is state and what is the difference between them. And if central certificate alag hai, how can we check and verify that I am centrally OBC also? जस्ट लाइक मैं अपने स्टेट में तो ओ बी सी हूँ, बट सेंट्रल में मैं ओ बी सी हूँ कि नहीं, वो कैसे चेक करें? दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़. इस पर हम लोग चेक करेंगे या फिर बताएंगे आप सबको कैसे हम सब देख सकते हैं कि मेरा जो क्लास है, मतलब मान लो सब कैटेगरी, एक्चुअली कैटेगरी एक होता है और एक होता है सब कैटेगरी. सो सब कैटेगरी जो मेरा है वो स्टेट में तो समझो कि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, एंड दिस सब कैटेगरी वेस्ट बंगाल में वो है लाइक ओबीसी, बट सेंट्रल में वो ओबीसी है कि नहीं, लेट्स चेक दिस. सो द वेबसाइट नेम इज सेंट्रल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. रिमेंबर द वेबसाइट नेम, सेंट्रल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. इस इज द वेबसाइट जहाँ से हम लोग चेक कर पाएंगे अपने अपने स्टेट के हिसाब से. तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग लेफ्ट साइड पर देखोगे, सो यू कैन सी हियर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज. आप मोबाइल से या फिर लैपटॉप से देख रहे हो, नो मैटर, सिमिलरली होगा आपका वेबसाइट ऐसे. तो हम अभी इस पर क्लिक करेंगे, सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज, ठीक है. नाउ यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट योर स्टेट. जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसको आप लोग क्लिक करो, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, व्हाटएवर. तो मैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल पर क्लिक करता हूँ. तो मान लो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया. नाउ एज यू कैन सी, यू हैव टू चेक द स्टेटस. यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख रहे हो आप कास्ट का नाम या फिर कम्युनिटी का नाम और गैजेट रिजोल्यूशन आपको देखना पड़ेगा. तो मान लो यहाँ पे मैं, मतलब आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपका जो सब कैटेगरी है या फिर आपका जो कम्युनिटी है, कास्ट है, वो इस पर आ रहा है कि नहीं. फर्स्ट वाला ही मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और उसके लेफ्ट साइड, उसके राइट साइड पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है. यहाँ पर इसके राइट साइड पे मैं क्लिक करता हूँ तो पीडीएफ डाउनलोड होकर आ जाएगा. अब यहाँ पे गैजेटेड नोटिफिकेशन दिया गया है, ठीक है. ये इस पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे इसके बारे में कि कब एंटर हुए हैं इस लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट पे, ठीक है. तो अगर आपको यहाँ पे मिले दिखे तो आप, मतलब आप आते हो सेंट्रल लिस्ट. नाउ यू कैन अप्लाई टू द सेंट्रल ओ बी सी एन सी एल सर्टिफिकेट, ठीक है. आप किसी और स्टेट के लिए, मैं दिखाता हूँ आपको, मान लो कोई दूसरा स्टेट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश. सिमिलरली हम लोग क्लिक करेंगे, यू कैन सी योर कास्ट और कम्युनिटी, ठीक है. इफ़ यू आर नॉट एबल टू व्यू द डॉक्यूमेंट देन क्लिक हियर टू गेट द एडोब रीडर. तो अगर आपका दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एडोब रीडर से देख सकते हो, ठीक है. मतलब जो राइट साइड का पीडीएफ है, यहाँ पर आप सबसे पहले तो चेक कर लो अपना अपना कास्ट एंड कम्युनिटी सेंट्रल लिस्ट में आ रहे कि नहीं. हो सकता है आपका यहाँ पर लिस्ट में एनरोल नाम ना हो. इसका मतलब यह है कि आप स्टेट में, अपने स्टेट में भले ओबीसी हो एनसीएल, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल में लिस्ट में आपका नाम नहीं है आपके कैटेगरी का, तो यू कांट अप्लाई एज ओबीसी. यू कैन गो एज ईडब्ल्यूएस और जनरल, व्हाटएवर, ठीक है. दिस इज़ द वीडियो. इस प्रोसेस से आप लोग सबसे पहले चेक कर सकते हो. नाउ यू कैन अप्लाई फॉर द ओबीसी सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट. सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. राइट, ऑल राइट. कैसे अप्लाई करोगे, अगर इसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, मैं उसके ऊपर एज सुन एज वीडियो बना दूंगा. थैंक यू सो मच.